हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 22 जुलाई 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की कितनी प्रमुख रेल परियोजना जल्द शुरू होगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 3, 2, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 परियोजना। क्या छत्तीसगढ़ में जो रेल वाला परियोजना है वो 4 जल्द ही शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेटोरियम निम्न में से किस जिले में बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बिलासपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा। अब दंतेवाड़ा की बात आई है तो दंतेवाड़ा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दंतेवाड़ा की स्थापना 1998, मुख्यालय दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा डंगनी संगनी नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ एक भू आवेष्टित जिला है। लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला 1968 में NMDC की द्वारा खनन प्रारंभ विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा किया जाता है। जापान को निर्यात लौह अयस्क हेमेटाइट किस्म से यहीं से दिया जाता है। टीन अयस्क का भंडारण बरचेली न्यूरेलियम भंडारण बरचेली में स्थित है और यहीं पर है। दंतेश्वरी मंदिर निर्माण अमन देव काकती वंश द्वारा करवाया गया है। बारसूर छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी रही है। प्रसिद्ध मंदिर मामा भाजा मंदिर, 32वां मंदिर चंद्रतीतेश्वर मंदिर, बोध घाट परियोजना इंद्र नदी पर प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 63A सबसे छोटा, 163 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सूरतगढ़ जलप्रपात नंदी राज पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से भी आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किसने टीवी शो इंडियाबाज बेस्ट डांसर में टॉप 12 में स्थान बनाए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निखिल पटनायक, आशीष अरोरा, अंकित कुर्रे, संजीत बार्ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निखिल पटनायक। क्या है जो टीवी शो होता है आप लोगों ने देखा होगा इंडियाबाज बेस्ट डांसर, जो 12 है उसमें अपना नाम स्थान प्राप्त किया है। और निखिल पटनायक, ठीक है, बिलासपुर ज़िले से संबंधित है। अब बिलासपुर ज़िले की बात आई है तो बिलासपुर ज़िले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिलासपुर ज़िले की जो स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय बिलासपुर, बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। अरपा नदी का उद्गम गवरेला पेंड्रा मरवाही पेंड्रा पठार से हुआ है। सहायक नदी खारंग नदी 1920 कोटाहा घाट संजय गांधी परियोजना के नाम से उसको जाना जाता है। विकासखंड बिल्हा प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। चक्रभाटा हवाई पट्टी जो कि सेना के अधीन है, और यहाँ पर जनजाति जो बैगा बैना धनवान निवास करते हैं। मलार सरपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया है जो कि निडला नदी के तट पर स्थित है। डेडनोसरी माता का मंदिर यहीं पर स्थित है। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रहा है। तालाबों का शहर महामाया मंदिर, 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर स्थित है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धर्म स्थली है। बिलासपुर वन क्षेत्रफल प्रदेश के सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल में आता है। ACCL की स्थापना 1987, मुख्यालय बिलासपुर जो कि CIL के अधीन है। उपकरण NTPC 2002, और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 2980, ठीक है, मेगावाट बिजली जो उत्पादन है, और यह उत्पादन 2000
1908 से प्रारंभ किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000, ग्राम पंचायत बोदरी, और यहाँ भारत का 19वें उच्च न्यायालय है, इसी को क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट, जो बिलासपुर में स्थित है। 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर को बनाया गया। घोषणा 1994 सृजन 2003 में बना, और यहाँ भारत का बिलासपुर 16वां जोन है। बिलासपुर सकरकंडा में है पशु प्रजन प्रक्षेप, और यहीं पर है कानन पिंडारी जो स्थित है। इस क्वेश्चन से भी आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्हार में स्थित डिडनेश्वरी मंदिर पर आधारित माँ डिडनेश्वरी देवी की महिमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजेश तिवारी, डॉक्टर राजेश पांडे, रुपेश सिन्हा, गौतम बारले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेश पांडे। क्या है, माँ डिडनेश्वरी देवी की जो महिमा का जो पुस्तक के लेखक हैं वो है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको याद रखिए। और ये डिडनेश्वरी माता मंदिर कहाँ है, तो अभी नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ बिलासपुर ज़िले में स्थित है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।